हेलो एवरीवन आज का हमारा टॉपिक बी ए बी एस सी फर्स्ट ईयर अलजैबरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चन जी हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन हमारे पास फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स के प्लस थ्री क्यों एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो आर इन ए पी हमें क्या निकालने हमें कंडीशन निकालने रूट्स के ठीक है कि उसके रूट्स क्या हो जाए एपी के अंदर हो जाए तो उसकी कंडीशन क्या होगी ठीक है जी तो सबसे पहले क्या लेके चलते हैं रूट्स लेट द रूट्स हमारे पास क्या होंगे अल्फा बी बीटा गामा ऐसे नहीं लेंगे हम क्या लेंगे एपी के अंदर रूट्स हैं तो इसको लेंगे हम तीन रूट होते हैं तो क्या लिखते हम अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा ठीक है जी तो गिवन इक्वेशन इज़ एक्स क्यूब प्लस थ्री पी एक्स प्लस थ्री क्या एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर वन अब हम क्या निकाल लेंगे जब भी हम बात करते हैं ए पी की तो हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा यहाँ से दैट इज अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास क्या बनेगा सम ऑफ रूट्स होता है माइनस के थ्री पी वन तो वन तो नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल आउट तो थ्री अल्फा इज इक्वल टू तो माइनस थ्री पी तो अल्फा इज इक्वल टू तो माइनस पी आ गया ठीक है जी अल्फा इज इक्वल टू तो माइनस पी तो अल्फा क्या है एक रूट है तो अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन वन देयर इट सेटिस्फाई इज द इक्वेशन वन इसका रूट है तो इक्वेशन वन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा सेटिस्फाई करेगा इट मींस जहां पे एक्स लिखा हुआ है उसके प्लेस पे हमें ये पुट कर देना माइनस पी तो माइनस पी इसके क्यूब प्लस के थ्री पी माइनस पी स्कीर प्लस के थ्री क्यों माइनस पी प्लस के आर इज इक्वल टू जीरो तो ये बनेगा माइनस पी क्यूब माइनस के माइनस स्केयर है तो प्लस के थ्री पी क्यूब ये बनेगा हमारे पास माइनस के थ्री पी क्यू प्लस के आर इज इक्वल टू जीरो अब माइनस पी क्यूब प्लस थ्री पी क्यूब तो क्या बनेगा हमारे पास ये ये बनेगा टू पी क्यूब माइनस के थ्री पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ये हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी जी ठीक है दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन जल्दी से नोट कीजिए इसको फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन सेवेंटी टू हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ठीक है जी उसमें लिखा हुआ है रूट्स इन जीपी ठीक है जीपी के अंदर रूट्स हैं रूट्स जीपी के अंदर होते हैं तो उसके रूट्स हम कैसे लेते हैं मैंने आपको सिखा रखे हैं ये अगर सेम चैप्टर नहीं किया है तो पहले उस चैप्टर के बाद देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी ठीक है जी तो यहां से रूट्स क्या लेंगे इसके अल्फा पोन बीटा अल्फा और अल्फा बीटा और जब बात जीपी की करते हैं जीपी करते हैं तो क्या निकालते हैं वहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या बनेगा इनकी प्रोडक्ट करनी है अल्फा बीटा टू अल्फा इन अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास होती है लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ठीक है जी अब बात करनी है लास्ट टर्म का साइन क्या होगा यहाँ पे साइन माइनस होता है फिर प्लस होता है फिर माइनस होता, होता है तो माइनस के आर तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया अल्फा क्यूब इज इक्वल टू तो माइनस के आर तो अल्फा इज इक्वल टू तो माइनस आर की पावर वन बाई थ्री ठीक है जी तो अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन वन एंड इट सेफाइड द इक्वेशन और ये क्या करेगा इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेगा अल्फा रूट हमारे पास ये रहा यहां पर रूट अल्फा ठीक है तो क्या करो इक्वेशन वन के अंदर जहां एक्स लिखा हुआ है उसके प्लेस पे ये पुट करना माइनस आर की पावर वन बाई थ्री तो माइनस आर की पावर वन बाई थ्री ठीक है जी और उसकी पावर क्या हमारे पास थ्री प्लस थ्री पी माइनस आर की पावर वन बाई थ्री और उसकी पावर कितनी है टू है प्लस के थ्री क्या हो माइनस आर की पावर वन बाई थ्री प्लस आर इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी इतना काम हो गया अब करना क्या है वन बाई थ्री और थ्री कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा यहाँ से माइनस के आर माइनस वन बाई थ्री और इंटू टू पावर ऊपर तो क्या हो जाएगा टू बाई थ्री हो जाएगी तो थ्री पी माइनस आर की पावर टू बाई थ्री ठीक है जी प्लस थ्री क्या माइनस आर की पावर वन बाई थ्री प्लस आर इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता है हाँ जी माइनस आर प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा ये टर्म बचेगी इस टर्म के अंदर थ्री कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे थ्री यहाँ पे थ्री तो थ्री कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो तो बचेगा क्या p इंटू माइनस आर की पावर टू बाई थ्री प्लस के क्या हो इंटू माइनस आर की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी ये हमारे पास बन गया अब हमें क्या करना है यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो क्या करते हैं पी इंटू माइनस आर की पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू इसको ले जाओ साइड तो यहां पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका ठीक है जी अब क्या करना है क्यूबिक बोथ साइड ठीक है टेकिंग क्यूब बोथ साइड तो यहाँ क्यूब लेंगे बोथ साइड तो पी क्यूब बनेगा हमारे पास ठीक है जी माइनस आर बनेगा यहां से उसकी पावर टू बनेगा क्योंकि क्यूब लेंगे तो थ्री कैंसल आउट हो जाएगा यहां से माइनस बनेगा क्यूब का साइन करेंगे तो क्या हो वो इसकी क्यूब ठीक है जी इसकी क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के आर आएगा ठीक है क्योंकि थ्री सेवन बाई थ्री कैंसिल आउट हो गया तो ये बचेगा हमारे पास पी क्यूब ये पावर ऊपर क्या है इवन नंबर है इवन नंबर है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव यहाँ से आंसर आएगा माइनस के क्या क्यूब एक माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस के क्या क्यूब आर ठीक है जी ये हमारे पास बन गया इतना काम ठीक है अब यहाँ से हम दोनों साइड आर से आर कैंसिल आउट कर सकते हैं हाँ जी तो यहां से क्या बनेगा p क्यूब r इज इक्वल टू क्या क्यूब दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ये हमारे पास बन जाएगा जल्दी से नोट कीजिए इसको फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क् प्लस थर्टी नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू जीरो द रूट्स बींग इन एपी द रूट्स बींग इन ए पी अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है जिसके रूट्स किस में हों एपी के अंदर दे रखे हूँ ठीक है जी करते हैं फाइंड यहाँ से गिवन इक्वेशन हमारे पास है गिवन एक्स क्यू माइनस के ट्वेल्व एक एक्स स्क्र प्लस थर्टी नाइन एक्स माइनस ट्वेंटी एट इज इक्वल टू तो जीरो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर वन का ठीक है जी अब हमें क्या लिखने इसके रूट्स लिखने हैं लेट द रूट्स आर रूट्स किस में है ए पी के अंदर है ए पी के अंदर है तो अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा ठीक है जी ये हमारे पास रूट्स बनेंगे इसके ओके तो अब क्या निकाले? सम ऑफ रूट्स तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास क्या बनेगा ट्वेल्व ठीक है जी ट्वेल्व बनेगा ओके क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है एक नेगेटिव ये तो प्लस बन जाएगा यहाँ से बीटा से बीटा कैंसिल आउट तो थ्री अल्फाइज इक्वल टू ट्वेल्व अल्फाइज इक्वल टू ट्वेल्व बाई थ्री दैट इज फोर तो अल्फाइज इक्वल टू फोर इज ए रूट ऑफ इक्वेशन वन ये हमारे पास क्या इक्वेशन वन का रूट है ओके तो देर फोर अल्फाइज का रूट लेके चले हम तो यहाँ से एक्स यह माइनस के फोर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा ज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन वन इज़ इक्वल टू फोर रूट इक्वेशन वन का तो अल्फा यहां पे पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे तो सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को ठीक है जी तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा एक्स माइनस के फोर अल्फा की बात करें एक्स भी तो इसका रूट है ठीक है जी तो एक्स माइनस फोर एक फैक्टर है इक्वेशन वन का तो डिवाइड इक्वेशन वन बाई एक्स माइनस फोर सिंथेटिक डिविजन तो सिंथेटिक डिविजन की हेल्प से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे ठीक है जी तो डिवाइड करते हैं सिंथेटिक डिविजन चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं सिंथेटिक डिविजन हमारे पास क्या है फोर है ठीक है जी एक क्वेश्चन देखो पहले कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है थ्री टू वन जीरो कंप्लीट है एक्सक्वर को माइनस ट्वेल्व एक्स एकोपिशेंट थर्टी नाइन और कॉन्स्टेंट ये हमारे पास आएगी ये वन तो एज इट इज फोर वन जा फोर क्या आएगा माइनस एट माइनस के थर्टी टू क्या आएगा सेवन अट्ठाइस क्या आएगा जीरो तो यहां से हमारे पास क्या बनेगी डिप्रेस्ड इक्वेशन इट्स दैट इज एक्स स्क् माइनस एट एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरोक्वल टू वन कोमा सेवन ठीक है जी दो वैल्यू हमारे पास ये आ गई एक वैल्यू हमारे पास ये थी फोर तो हैंस रूट्स आर वन फोर सेवन ये हमारे पास क्या बन गई वन फोर सेवन रूट्स किसके अंदर है एपी के अंदर है जी चेक कर लो फोर माइनस वन करेंगे थ्री आएगा सेवन माइनस फोर करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा जी थ्री आएगा कॉमन डिफरेंस सेम है जल्दी से फिर नोट कर लो हमारा आंसर आ गया इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन सेवेंटी फोर के अंदर भी ऐसा ही कुछ दे रखा है तो यहां पर भी यही लिखा हुआ एक्स और ये रूट्स इसके ए पी की जगह पी में दे दिए कोई बात नहीं हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये सेवेंटी फोर सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क् प्लस फोर्टीन एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी द रूट्स बींग इन G.P. ये हमारे पास है कोई बात नहीं इसको भी सोल्व करते हैं ये तो आपने नोट कर लिया होगा गिवन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क् प्लस फोर्टीन एक्स माइनस के एक एट इज इक्वल टू जीरो इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर वन का ठीक है जी लेट द रूट्स आर इन जीपी इज हमारे पास क्या होंगे अल्फ़ा अपोन बीटा अल्फा और अल्फा बीटा ठीक है जी जीपी के अंदर रूट्स हम ऐसे ही लेते हैं तो इसके बाद जीपी है तो यहाँ पे क्या निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ताकि हमारे पास यहाँ से ट्रम कैंसिल आउट होकर के एक सिंगल चीज बच जाए ठीक है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज जी हमारे पास क्या बनेगा अल्फा अल्फ़ा तो अल्फ़ा क्यूब लिख दे यहाँ पे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की होती है लास्ट टर्म होती है माइनस प्लस माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे एट बन जाएगा ठीक है जी तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी अल्फा इज इक्वल टू टू आ जाएगा ठीक है हमारे पास होगी वैल्यू इसकी अल्फ़ा इज इक्वल टू टू ओके जी देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू टू इज ए रूट ऑफ इक्वेशन वन तो देर फोर एक्स माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन वन नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई एक्स माइनस टू यूजिंग सिंथेटिक डिवीज़न आपकी मर्जी आप लॉन्ग डिविजन मेथड यूज कर सकते हो ठीक है जी तो मुझे सिंथेटिक डिवीजन अच्छा लगता है यहाँ पे बिल्कुल आसान मेथड है तो करते हैं यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड हमारे पास अल्फा के लिए टू है ठीक है जी चेक करते हैं क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है थ्री टू वन जीरो ठीक है जी कोपिशेंट वन कोपिशेंट माइनस सेवन नेक्स्ट कोपिशेंट फोर्टीन नेक्स्ट कोपिशेंट कॉन्सटेंटर में माइनस एट तो यहाँ से वन हैजीज टू वन जार टू माइनस के फाइव माइनस के टेन फोर That इज एट जीरो तो ये हमारे पास हो गया तो यहां से लिखते हैं डिप्रेज इक्वेशन इट्स एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन कोमा फोर हैंस रूट्स आर रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे वन बनेगा ये पे टू है ये फोर है ठीक है जी कॉमन रेस देख लो सेम आएगा टू ओ वन करो टू आएगा फोर ओ टू करो टू आएगा ठीक है तो रूट्स हमारे पास क्या हो गए जी के अंदर हो गए, जल्दी से नोट करो इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द क्यूबिक दैट इज एक्स क्यूब माइनस पी एक्स क्यूर प्लस क्या एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो मे बी इन एच पी ये हमारे पास है जी इसके रूट्स क्या हो सकते हैं एच पी के अंदर हो सकते हैं अब एच पी क्या होती है पता होगा आपको नहीं पता ए से ए पी जी पी एच पी A से अर्थोमैटिक प्रोग्रेशन जी से जोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एथ से सोचनाथ से हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन ठीक है जी क्या हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो अब हमारे पास क्या सोल्यूशन इसका निकालते हैं तो इसके रूट्स हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं गिवन इक्वेशन इज दैट इज एक्स क्यूब माइनस के पी एक्स के प्लस के ओ एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर वन ये आपने क्लास ट्वेल्थ के अंदर पढ़ा होगा ठीक है बट जो हमारा सिलेबस है सी बी एस सी का एच बी एस सी का उसके अंदर ये चीज टॉपिक नहीं है अगर आप तैयारी करते हैं आई आई टी जेई मेन्स एन डी वगैरह की तो उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है एच पी का ठीक है तो अब ये हमारे पास है तो क्या करें यहाँ पे रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू वन बाई वाई इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन के अंदर एक्स को वन अपोन वाई से रिप्लेस कर दो तो ये हमारे पास क्या बनेगा वन अपोन वाई की क्यूब माइनस के पी वन अपोन वाई का स्क्वेयर प्लस के क्या हो वन अपोन वाई माइनस के आर इज इक्वल टू ज़ीरो अब इसको सिंपलीफाई करो नीचे वाई क्यूब बनेगा तो वाई क्यूब से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट तो क्या बनेगा हमारे पास ये वन बने बनेगा यहाँ पे माइनस के पी वाई बनेगा प्लस के क्या वाई स्क्वेयर बनेगा माइनस के आर वाई क्यूब बनेगा इसको आगे ले आओ ठीक है तो ये बनेगा माइनस के आर वाई क्यूब प्लस के क्या वाई स्क्वेयर माइनस के पी वाई प्लस के वन इज इक्वल टू जीरो अब क्या करना है फर्स्ट टर्म नेगेटिव से नीचे हमें तो क्या करो यहाँ से माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो तो आर वाई क्यूब माइनस क्या वाई स्क्वेयर प्लस पी वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर टू अब जो इक्वेशन नंबर टू बन चुकी है इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रूट्स एपी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं ठीक है जी नाउ द रूट्स ऑफ इक्वेशन टू आर इन एपी इसके रूट्स एपी के अंदर कन्वर्ट हो गए एपी के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं तो रूट्स क्या होंगे के एपी के अंदर लेट द रूट्स आर क्या रूट्स लें यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अल्फा और अल्फा प्लस बीटा क्योंकि हमारे पास जो रूट इक्वेशन है वो किस में क्यूबिक इक्वेशन है ठीक है जी तो यहाँ से निकालते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट्स हमारे पास क्या बनेगा ये अपोन में आर ठीक है जी और यहाँ माइनस साइन लगाते हैं एक माइनस ये है तो प्लस बन जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बीटा से बीटा कैंसिल थ्री अल्फाइज जीवल टू क्या वो पोन आर 125 तो अल्फाइज जीवल टू क्या वो पोन थ्री आर ये हमारे पास आ गया हमें निकालना क्या है हमें निकालने कंडीशन ठीक है जी अल्फा क्या है इसका इक्वेशन टू का रूट से रूट्स अल्फा ठीक है जी सिंस इज ए रूट ऑफ इक्वेशन वन इक्वेशन टू ठीक है देयरफॉर अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन टू अल्फा क्या करेगा इक्वेशन टू को सेटिस्फाई करेगा ठीक है जी इक्वेशन टू को सेटिस्फाई करेगा इट मींस एक्स के प्लेस पे यानी y के प्लेस पे क्या करना है ये पुट कर देना है जो वैल्यू आई है तो आर एज इट इज वाई के प्लेस पे क्या पुट करना है क्या वो पोन थ्री आर ठीक है जी उसके क्यूब माइनस क्या हो क्या वो पोन थ्री आर स्क्वेयर प्लस के p इन क्या वो पोन थ्री आर माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है जी इतना काम हो गया ओके हमें कंडीशन निकालनी है जल्दी से इसको नोट कर लो फिर मैं यहाँ पे लिख देता तो ये हमारे पास आर क्या क्यूब अपॉन थ्री आर स्क्यर ठीक है जी तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा क्या क्यूब अपॉन थ्री आर स्क्यर बनेगा थ्री थ्री या नाइन थ्री हजार ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन आर स्क्वेयर बनेगा हमारे पास यहाँ से क्योंकि एक आर ये है यहाँ से आर की पावर थ्री आएगी तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा आर माइनस के क्या यहाँ पे क्या स्केयर वहाँ पे तो ये बनेगा क्या क्यूब थ्री है थ्री का स्क्यर होता है नाइन और आर का स्क्वायर ठीक है जी ओके इतना काम हो गया प्लस के वी क्या ओपोन थ्री आर माइनस के वन इज इक्वल टू तो जीरो ठीक है जी इतना काम हो गया यहां पे, ठीक है तो क्या करें यहां से ट्वेंटी सेवन आर से मल्टीप्लाई कर दे क्वेश्चन को कंप्लीट ठीक है जी करते हैं तो यहां से क्या बनेगा क्या क्यूब माइनस के ट्वेंटी सेवन आर स्क्वेयर से करेंगे आर स्क्वेयर से आर स्क्यर कैंसिल आउट हो जाएगा ट्वेंटी सेवन नाइन से कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री पे तो थ्री क्या क्यूब प्लस ट्वेंटी सेवन आर स्क्वेयर है तो हमारे पास थ्री से ट्वेंटी सेवन कैंसिल नाइन टाइम आर स्क्र से आर कैंसिल और ये बचेगा पी क्यो माइनस ट्वेंटी सेवन आर स्क्र टू जीरो अब क्या क्यू माइनस थ्री क्या क्यूब तो माइनस के टू क्या क्यूब प्लस नाइन पी क्या आर ठीक है जी माइनस के ट्वेंटी सेवन आर स्केयर इक्वल टू जीरो ओके माइनस से कॉमन माइनस कॉमन निकाल दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो टू क्यूब क्या क्यूब माइनस के नाइन ये क्यों के अंदर कर दे इसको पी आर यहाँ पर क्या वो देता हूँ मैं माइनस के ट्वेंटी सेवन था तो प्लस बन जाएगा आर स्केयर दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन ये हमारे पास कैश की रिक्वायर्ड कंडीशन है जल्दी से नोट कीजिए इसके बाद फिर क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स हमारे पास है सोल्व द इक्वेशन सोल्व द इक्वेशन फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो द सम ऑफ टू ऑफ द रूट बिंग जीरो हमारे पास है ठीक है जी इसको हमें सोल आउट करना है कंडीशन क्या दी उन्होंने हमको कंडीशन दी हुई है कि जो रूट्स है वो कैसे हैं सम ऑफ टू ऑफ द रूट्स बींग जीरो दो रूट्स का सम जीरो केक्वल है ठीक है जी तो गिवन इक्वेशन इज फोर एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क् माइनस नाइन एक्स माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो इसको नाम दे इक्वेशन नंबर वन का ठीक है जी लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा सच दैट मान लेते कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो हमारे पास का जीरो के इक्वल है ठीक है जी हम क्या निकालते हैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे सम ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा माइनस सिक्सटीन एपन फोर यहाँ से दो रूट का सम जीरो के इक्वल है तो जीरो प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस के फोर दैट इज गामा इज इक्वल टू माइनस फोर ठीक है जी गामा क्या आ गया माइनस फोर के इक्वल आ गया गामा क्या इसका रूट है हम जी रूट है रूट है तो क्या करेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ठीक है जी सिंस गामा इज रूट इक्वेशन वन देर फोर इट सेड the equation इक्वेशन वन ठीक है जी नाउ ये हमारे पास हो गया है तो x माइनस फोर है तो इस ही शेड ले आओ तो x प्लस फोर इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन वन ये फैक्टर हो चुका है तो क्या करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई एक्स प्लस फोर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे ठीक है जी करते हैं डिवाइड तो ये हमारे पास क्या था माइनस का फोर ठीक है एक्स क्यूब एक्स स्केर एक्स कॉन्स्टेंट कंप्लीट इक्वेशन है कॉपिशेंट फोर कोपिशेंट सिक्सटीन कोपिशेंट माइनस नाइन कोपिशेंट माइनस थर्टी सिक्स ये फोर एज इट इच सिक्सटीन आएगा ज़ीरो ठीक है जी फिर ज़ीरो आएगा तो क्या बनेगा यहाँ से माइनस के नाइन फिर थर्टी सिक्स आएगा तो क्या बनेगा ज़ीरो ठीक है जी यहाँ से क्या आएगी डिप्राइड इक्वेशन फोर एक्स स्क्र एक्स का कोपिशेंट जीरो है माइनस के नाइन इज इक्वल टू जीरो तो फोर एक्स केक्वल टू नाइन एक्स केक्ल टू नाइन बाई फोर तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के थ्री बाई टू एक्स कैल्यू के आगे एक्स कैल्यू के यहां से हमारे पास माइनस के फोर थी रूट्स आर माइनस के फोर माइनस थ्री बाई टू और प्लस थ्री बाई टू ठीक है जी ये हमारे पास के आगे इसके रूट्स आ गए ओके okay. जल्दी से नोट करो इसको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमेडा द सिस्टम वन टू थ्री लैमेडा एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो हैज मोर देन वन सोल्यूशन उसके क्या होंगे एक से ज्यादा सोल्यूशन होंगे ठीक है जी तो हमें क्या निकाली लेमेडा की वैल्यू निकाल रही है। तो गिवन हमारे पास क्या है वन टू थ्री लेमेडा एक्स वाई जीरो कंपेयर इसको मान लेती क्वेश्चन वन

तो नाउ ए हमारे पास क्या है वन टू थ्री लेमडा देखो इसको सोल्व करते हैं तो ऑपरेशन लगाइए इस पे आर टू पे क्या करेंगे थ्री टाइम आर वन सब कैट कर दें तो क्या बनेगा ये वन टू एज इट इज इसका थ्री टाइम जीरो इसका थ्री टाइम लैमडा माइनस सिक्स ठीक है अब इन्होंने कहा क्या कहा है फॉर वट वैल्यू ऑफ लैमडा द सिस्टम हैज मोर देन वन सोल्यूशन मोर देन वन सोल्यूशन इट मीन्स इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन ठीक है जी फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन जो ये कंडीशन है के सिक्स जीरो के इक्वल होनी होनी चाहिए होनी चाहिए ठीक है जी क्यों जीरो के इक्वल क्योंकि यहां से रैंक किसकी क्या जाएगी? आ जाएगी वन आ जाएगी रैंक वन आ जाएगी मतलब रैंक क्या है टू से लेस है टू से लेस होगी तो सिस्टम में क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो यहां से क्या आ जाएगा दिस इंप्लॉय लेमडा इज इक्वल टू सिक्स तो लैमेडा की वैल्यू सिक्स के लिए इस इक्वेशन में क्या हो जाएंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे ठीक है जी जल्दी से कीजिए नोटिस को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेश सिस्टम ऑफ एक्स इक्वेशल टू इलेवन माइनस टू एक्स माइनस के फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ठीक है जी ये हमारे पास है हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है ठीक है जी सोल्यूशन फाइंड करते हैं गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है गिवन क्या है दैट इज एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू इलेवन इसको नाम दे इक्वेशन नंबर वन का माइनस टू एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी टू इसको नाम दे इक्वेशन नंबर टू का अब यहां से कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू विद ए वन एक्स प्लस के ए टू एक्स ऐसे लिख सकते हैं इसको हम चलो ए वन बी वन लिख देते हैं यहाँ पे बी वन एक्स इज इक्वल टू सी वन ए टू एक्स प्लस के बी टू एक्स इज इक्वल टू सी टू तो देर फोर ए वन की एलु आएगी हमारे पास ए वन को कंपेयर करना है इसके साथ वन के साथ चलो इसको मान लेते हैं थ्री इसको मान लेते हैं फोर तो कंपेयर करो ए वन की वैल्यू क्या आएगी वन आएगी बी वन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से टू आएगी सी वन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से इलेवन आएगी ठीक है जी हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं ओके वैसे तो सीवन की वैल्यू अगर इस सीवन को साइड लेके आते माइनस के सीवन होता ओके ठीक है ओके ए भी हो जाएगा तो अब हमारे पास ए टू ए टू के वैल्यू माइनस के टू बी टू वैल्यू माइनस के फोर वो सी टू वैल्यू क्या है ट्वेंटी टू ठीक है जी क्या करते हैं अब ए वन अपोन ए टू क्या आएगा वन अपोन माइनस टू दैट इज माइनस के वन बाई टू बी वन अपन बी टू ये क्या आएगा टू अपन माइनस फोर दैट इज माइनस के वन बाई टू सेवन अपोन सी टू ये हमारे पास क्या आएगा इलेवन बाई ट्वेंटी टू दैट इज वन बाई टू अब देखो ध्यान से माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू वहाँ पे वन बाई टू है तो कंडीशन हमारे पास क्या बनी है ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज इक्वल टू सीवन अपोन सी टू और ये नॉट इक्वल है ठीक है जी तो देअर फोर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन तो इस इक्वेशन का यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा ठीक है जी हमारे सिलेबस के अंदर क्या वैसे थ्री बाय थ्री की दे रखे है क्वेश्चन जो हमने चैप्टर किए थे फोर चैप्टर था सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस का ठीक है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस में और ये चीज़ें हम क्या कहाँ करते थे ये चीज़ें करते थे हम क्लास टेंथ के अंदर ठीक है तो हमने उसी मेथड से इसको सोल्व कर दिया हमने फाइंड कर दिया इसका सोल्यूशन क्या है कोई सोल्यूशन नहीं है अगर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते तो आपके पास मेथड कौन सा है रैंक वाला मेथड भी कर सकते हो आप डेटामेंट वाला मेथड भी कर सकते हो और आपके पास तीन मेथड और थे ना क्लास टेंथ के अंदर कौन से कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हो ठीक है जी आपकी चॉइस तो हमने इस मेथड से सोल्व कर दिया बिल्कुल आसान है ठीक है जी जल्दी से नोट करो इसको पुरानी यादें ताज़ा होनी चाहिए ना क्लास टेंथ के अंदर हम पढ़ के आए थे इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन भी समथिंग कुछ ऐसा ही होगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ठीक है जी ओके ओके ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे इक्वेशन चेंज है तो मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूँ बस ठीक है क्वेश्चन सेवनटी नाइन क्योंकि हमारे पास देखो पैटर्न बन के तैयार हो चुका है हम इसी के अंदर डाल देंगे अपने सामान को ठीक है मतलब जो भी हमें बनाना होगा आउटपुट चाहिएगा वो इसी के अंदर डाल देंगे हम थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस के थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन और फोर्टीन एक्स प्लस के ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ठीक है जी ये हमारे पास हमने अपना डिजाइन बना करके तैयार कर दिया इस डिजाइन के अंदर जस्ट पुट करना हमें ओके जी पुट करते हैं गिवन हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस के थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन दूसरी क्वेश्चन है फोर्टीन एक्सप्रस ट्वेंटी वन वाई इज इक्वल टू फोर्टी नाइन ठीक है जी कंपेयर करेंगे तो a1 वन की वैल्यू टू बी वन की वैल्यू थ्री सी वन की वैल्यू सेवन ए टू की वैल्यू फोर्टीन बी टू की वैल्यू ट्वेंटी वन सी टू की वैल्यू फोर्टी नाइन तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एवन अपॉन ए टू जैसे टू अपॉन फोर्टीन है दैट इज वन बाई सेवन नेक्स्ट थ्री अपॉन ट्वेंटी वन है दैट इज वन बाई सेवन ठीक है जी और ये वैल्यू हमारे पास क्या है सेवन अपॉन सी टू की सेवन अपॉन फोर्टी नाइन दैट इज वन बाई सेवन ये हमारे पास है ठीक है जी ओके तो यहां से हमारे पास क्या आ गया क्या तीनों इक्वल है बाई सेवन वन बाई सेवन वन बाई सेवन तीनों इक्वल हैं, तो इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन तो इक्वेशन क्या होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे ठीक है जी जल्दी से नोट करो इसको बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एटी क्वेश्चन फिर उसके बाद विराम देते हैं ठीक है क्वेश्चन एटी स्टेट फैक्टर थोरम फैक्टर थोरम के में स्टेटमेंट लिखते है ठीक है जी तो अनेट अल्फाबिदा रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पोलियोनोमिल एफोफेक्स इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई किस से एक्स माइनस अल्फा से ठीक है जी अगर अल्फा रूट है किसी इक्वेशन का तो पोलिनोम एफोफेक्स क्या होगी एक्स माइनस अल्फा से एक्जैक्टली exactly डिविजिबल हो जाएगी एक्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी ठीक है जी ये हमारे पास कैफेक्टर फॉर्म है तो यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चन तक तो कवर कर लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बाय बाय टेक केयर सी यू थैंक यू फॉर वॉचिंग